पेपर होने वाले हैं हाउ द होल सिलेबस इज डिवाइडेड एक एक चीज का क्लैरिटी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं कब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए इफ यू आर 24 अटेम्प्ट स्टूडेंट देन इन दैट केस क्या इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन में आ सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या नवंबर 24 फोर एंड बियॉन्ड आपका अगर अटेम्प्ट देन यस दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट गाइज स्टे सब्सक्राइब बिकॉज

एंड प्री बुकिंग बी स्टार्टिंग वेरी सुन ऑन आर वेबसाइट थ्री ट्रिपल नाइन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर यू यहाँ पे मैं क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा सो ऑलरेडी जो मेरे रिकॉर्डेड सेशन जो कॉमन पार्ट है दैट इज वॉट आई विल बी गिविंग एज ऑफ नाउ एंड जैसे जैसे इंस्टीट्यूट का क्लैरिटी आते जाएगा फॉर द न्यू पार्ट आई विल बी शेयरिंग दैट with यू आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंस्टीट्यूट का क्या थॉट प्रोसेस है रिलेटिंग टू द एस दिस सब्जेक्ट एंड ओवरऑल एसपीओम तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लग रहा था दैट इट विल बी अ होम बेस्ड एग्जामिनेशन बट प्रोबली यू नो आईसीडब्ल्यू अगर आपको इंस्टीट्यूट बताओ उन्होंने भी होम बेस्ड एग्जाम लिए थे नॉट दैट अ सक्सेस बिकॉज अगेन वी नो कि उसमें चीटिंग का चांसेस होता है बट स्टिल लेट्स हाउ इट अगेन वर्क आउट

फर्स्ट ग्रुप पास हुआ है तो लॉ देने की जरूरत नहीं है सेकंड ग्रुप पास तो एस सी एम देने की ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने कुछ रिलीज किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पेशली रिलेटिंग टू माई सब्जेक्ट एस सी एम एस पी एम सेट ए प्लस बी एक्सपर्ट लेवल होगा सो so आपको एडवांस नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का सेट सी सेट डी विल बी वर्किंग लेवल पे एलिजिबिलिटी और वो सब चीज़ मैंने बताया मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा यह सारी चीजें सो दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं आज जो भी अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ विल बी शेयरिंग इट दैट सो दैट यू गेट अ फुल क्लैरिटी नो कैलकुलेटर अलाउड लिखा है बट आई फील इट इज डिफिकल्ट एस सी एम पी का पेपर एस सी एम एस पी एम जो भी नया हो रहा है उसको कैलकुलेटर के बिना

कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ये दोनों को मिला के बनता है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सो ऑब्वियसली इन दोनों का आपको नॉलेज बेसिक होना चाहिए एंड ऑब्वियसली एस सी एम पीई या एस सी एम पी एम जो है वो अपने लेवल पे एक नेक्स्ट एडवांस लेवल की चीज होगी तो आपने यहां पे जो बेसिक्स पढ़ा है इंटर में वो प्लस जो भी आप एडवांस में पढ़ने वाले हो एट सी ए फाइनल लेवल मिला के बनेगा ये आपका स्टडीजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस का पेपर विच विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन सो यहां पे जैसा आप लोग नोट करोगे क्या लिखा है एस सी एम एग्जाम बिल्ड अपऑन स्किल्स अर्न इन पेपर सिक्स बी एंड पेपर फोर जो आपने इंटर में पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिड नॉलेज इन एडिशन फाइनल पेपर सिक्स इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी के स्टडी इज डायरेक्टली अंडर पिंड दिस सब्जेक्ट मतलब यहां पे जो पेपर सिक्स है उसमें भी एस सी पी एम का नॉलेज आपको होना जरूरी है नाउ लुक योर इंस्टीट्यूट ने वेटेज भी दिया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 50% स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50% किधर लिखा है पार्ट ए एंड पार्ट बी कैरी इक्वल सेक्शन वाइज वेटेज सो दो पार्ट आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लेवल पे करना है स्ट्रेटिजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पोर्सन स्ट्रेटिजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पोर्शन जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिवाइडेड है इसके बारे में डिटेल मैंने यहां पर बनाया कि हाउ डज इट लुक सो ये देखो आप लोग को दिखेगा के क्या क्या नए में सब चीजें बताऊंगा जस्ट कीप वाचिंग इंस्टीट्यूट ने यहां को तीन पार्ट में डिवाइड किया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री लेवल वन फाइव टू टेन परसेंट विच इज ओनली गोइंग टू बी प्योर थ्योरी मेमोरी बेस्ड सो दैट इज ओनली टेन परसेंट फिर आता है लेवल टू एनालिसिस एंड एप्लीकेशन सो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज 60 टू 70 मतलब भाई एनालिसिस एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट लेवल टू कर लिया ना देन इन दैट केस क्लियर हो जाएंगे अगर वो बराबर से कर लिया तो दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड लास्ट इज जजमेंट बेस्ड मतलब आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा एंड उसके बेस पे आपको इवेल्यूएशन एंड सिंथेसिस करना है एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वॉट इज गोइंग टू बी द दोल्यूशन इन दैट केस सो दैट इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क फॉर्मैट ऑफ द एग्जाम इज ऑल्सो गिवेन लुक दिसम सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है टोटल आप लोग जैसा देख सकते हो देर आर गोइंग टू बी ट्वेल्व केस स्टडीज इन देपर टाइप वन की फोर टाइप टू की फोर

फिफ्टी परसेंट फ्रॉम पार्ट बी सो कोई भी पार्ट को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते अपने को इक्वली मेहनत करनी है एंड डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर इट ये जो इधर इन्होंने पोर्शन दिया है इसमें से कितना पोर्शन कॉमन है कितना अनकॉमन है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखो आप लोग स्पेसिफिकली आपके लिए एक पूरा ये मॉड्यूल सेट किया है सो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पहले भी था अभी भी था अभी भी है बट इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट रिमेन्स सेम तो मैं अभी जो मेरा बैच लॉन्च कर रहा हूं गाइज मी टेल यू दैट दिस बैच विल इंक्लूड द रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ मी सो 2023 ऑलमोस्ट जुलाई में जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मैंने वो आप लोगों के साथ फिलहाल शेयर कर दूंगा टोटली uh, अपडेटेड totally मतलब uh, इस, इस, इस 23 में आई डोंट थिंक सो किसी एस के प्रोफेसर ने रिकॉर्ड किया आई डिड इट

थर्टी परसेंट या थर्टी पोर्शन है, फिलहाल आई एम वेटिंग होगा फिलहाल मैं उस चीज का कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं जितना सेवेंटी परसेंट कॉमन पोर्शन है दैट इज व्हाट आई विल बी रिलीजिंग फॉर यू एंड रीसेंट लेक्चर्स है सो यू कैन डेफिनेटली यूज देम फॉर द बेस्ट बेनिफिट दैट इज देर प्लस जो एडिशन है

सेक्शन ए में चार चार दो दो ओके ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड अराउंड अ कॉमन सिनेरियो केस फोकस विल बी ऑन स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए ओनली देन विल यू बी एबल टू मैनेज द होल पेपर ऑलरेडी गाइज एक स्पेसिमेन एग्जाम दिखा देता हूं आपके लिए so, यहां ये यह देखो एक केस स्टडी दिख रहा है आपको उस केस स्टडी के बेसिस पे आंसर देना है अब ये केस स्टडी है सिर्फ बेस्ड ऑन टारगेट कॉस्टिंग सो ऑब्वियसली आपको टारगेट कॉस्टिंग पता होना चाहिए ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग सो दैट्स हाउ इट वर्क्स जैसे अभी एक आगे आप लोगों को दिखेगा कि एक क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का सो ट्रांसफर प्राइसिंग के अगेन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए

बट उससे रिलेटेड अब एमसीक्यू बेस्ड तो अपने को आना ही चाहिए तभी आप ये एमसीक्यू कर पाओगे आई थिंक दैट इज नीडलेस टू से बट ये एक क्वेश्चन है फिर इससे रिलेटेड दो तीन चार जो भी इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पूछने पूछा है फिर इंस्टीट्यूटरियो टू से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने एंड देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है ऑल ऑफ दैट विल बी देर नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन सर कब से स्टार्ट होगा आपको क्या लग रहा है सी फ्रेंकली स्पीकिंग May 24 वालों को तो वैसे भी एग्जाम के बाद देना है पेपर सिक्स इंटीग्रेटेड बिजनेस के स्टडीज सो वो एक चीज है जो अपने को बैठ के शॉर्ट आउट करनी है दैट हाउ थिंग्स विल वर्कअप उसके रिलेटेड चीजें चल रही है, मेरी तरफ से मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ एंड विल विल कीप यू पोस्टेड ऑन ऑन दिस रिगार्ड्स ठीक है सो इन टर्म्स ऑफ पोर्शन एससीएमपी जो पहले था अभी भी वही है मैं देख रहा हूँ थोड़ा तो और कुछ चीजें एडेड हुई है जो चीजें लेस हुई है वो काफी कम है सो मेहनत करेंगे अपन थैंकफुली एमसीक्यूज है तो अपने को वो जो Uh, रट्टा मारने वाला चीज था एस में वो नहीं करना पड़ेगा सो वॉट आई एम वर्किंग ऑन इज ऑप्टिमाइज और मैजिक बुक का एक कॉम्बिनेशन ठीक so, है सो यू वुड नो ऑप्टिमाइज मेरा रेगुलर बुक है मैजिक बुक समरी बुक है सो कहीं पे एक बीच में कॉम्बिनेशन की ज्यादा टाइम भी ना जाए आपका एंड देर इज अड वे थ्रू विच यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दिस ठीक है ना बहुत देखो एंड ऑफ द डे सी का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ये मार्क्स एड नहीं होने वाले वी नो इट बट फ्लिप साइड पे बस 50 मार्क्स लाना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल टू दिस मेन एग्जामिनेशन अब एस एग्जाम में पेजेक्ट होता था तो भी 50 से ज्यादा सोचता भी नहीं था सो आई थिंक दैट ट्रेंड इज जस्ट कंटिन्यूइंग सो मेहनत करेंगे जैसे अपन लोग अदरवाइज करते थे थोड़ा स्मार्टली कैसे इसको मैनेज करना है कि एमसीक्यू पे फोकस रहे लिमिटेड uh, चीजें अपन करें एंड एग्जाम देके क्लियर हो चीज़ें आप लोग को मैं बताते रहूंगा बाकी आई थिंक में अब काफी सारी चीजें ओपन होना चालू हो गई है स्पेशली फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स मतलब इंस्टीट्यूट विल है ट्रेनिंग होगा मतलब यहाँ पे आप लोग को जाके एग्जाम देना होगा तो टाइम है थोड़ा इस चीज में uh, पेपर्स रिलीज़ किए उससे पता चल रहा है कि प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होने वाले विच सिक्सटी परसेंट होगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट पोर्शन को डिवाइड किया आई थिंक उस हिसाब से इंस्टीट्यूट पूछेगा एंड इवेल्युएशन और एनालिसिस के ऊपर ही आपके पेपर्स होने वाले हैं सो so, होप फॉर द बेस्ट फ्रॉम दिस पेपर बाकी आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एस पी ओ एम प्लीज पुटअप इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर दैम इच फॉर यू एंड इफ नीड भी मैं एक इमीजिएट बेसिस वीडियो भी बना दूंगा सो दैट हाउ थिंग्स कैन वर्कड अप एंड ईजिली अपन इसको मैनेज कर पाए ओके गाइज टाइम फॉर मीड उसे आस्ता रिस्ता ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वो आप लोग के साथ पूरी तरह से शेयर कर चुका हूं और भी चीजें आती रहेगी बताते रहूंगा टेक केयर कीप स्माइलिंग बाय और की रिविजन बहुत जल्द आ रहे हैं ठीक है सो स्टे सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस सब्जेक्ट में ए एफ एम में भी अच्छा स्कोर कर रहा है उसका मैजिक बुक का भी प्री बुकिंग चालू है यू कैन लेट देम नो अस्तालाप स्माइलिंग थैंक यू सो मच